ग्रेस एंड वेलकम टू मी एंड टैरो। तो आज का टॉपिक है आपके रिश्ते में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट दैट वन एंड वी विल टेक इनटू कंसीडरेशन थ्री ऑब्जेक्ट्स जो कि है टैरो, देन ओरेकल एंड देन मून मैजिक। ठीक है, सो वी विल टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल दिस थिंग्स एंड फिर देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। मोस्टली ये ऑल साइंस के लिए हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि स्पेसिफिक साइंस क्या है तो हम टैरो से वो साइंस भी चेक कर लेंगे। ठीक है, लेट्स कनेक्ट। ठीक है, तो इट्स गोना बी अ कलेक्टिव रीडिंग एंड पिक कार्ड मैं शायद एक दो दिन में डाल दूंगा। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन दैट वन। जो देखते हैं कौन सी रीडिंग आती है, हम 6 से 7 कार्ड निकालेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। चलो 7 कार्ड तो आ चुके हैं, सबसे इतना बस है। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स जो कि है रिवर्स, देन वी गॉट द टावर। वाओ, we got justice, then we got judgment, then we got temperance, then we got sun, and then we got queen of swords. wow, bahut sare yahan pe major arcana aa chuke hain. theek hai, and major arcana mein se jo aage hain wo hai justice jo represent karta hai libra, and all we got is knight of cups. okay, so yahan pe aage cancer, scorpio, pisces, then we got queen of sword jo represent karta hai air sign, that is जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स जो कि है रिवर्स में। ओके, सो इट कनेक्ट्स विद द वाटर साइन। देन वी हैव जस्टिस जो लीब्रा का प्रोमिनेंट है, एंड वी गॉट क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, जो कनेक्ट करता है एयर साइन को। सो एयर साइन, वाटर साइन एंड लीब्रा यहाँ पे प्रोमिनेंट है, बाकी के तो मेजर अरकाना आ चुके हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। यू नो, एक फैक्ट बताता हूँ, रीडिंग एनर्जी जो होती है वो वही फॉलो करती है। जैसे कि अभी मैंने एक रीडिंग निकाला था, बिकॉज थोड़ा सा शोर शराबा था तो मैंने वो रीडिंग स्किप कर दिया, उसमें ये कार्ड आ गया था। अब देखो यहाँ पे भी वापस से ये कार्ड आ गया है, एंड वो स्ट्रेट था, अभी यहाँ पे भी स्ट्रेट है। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड कि एनर्जी फॉलो करती है। ओके, सो दैट यू हैव टू एडमिट। ठीक है, तो एज बीइंग टैरो रीडर काफ़ी सालों से मैं टैरो रीडिंग कर रहा हूँ, तो आई नो अबाउट इट, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। देखो पहला जो कार्ड है वह है नाइट ऑफ कप्स के लिए, ये है ऐसा कार्ड, लेकिन ये आ गया है रिवर्स में, एंड ये है रिवर्स में नाइट ऑफ कप्स। देखो सिंपल मीनिंग यहाँ पे है, कहीं ना कहीं पे शायद आप दोनों जो है वो एक दूसरे को अगर गिल्टी फील करा रहे थे तो वो एक फीलिंग थम जाएगी। समवेयर शायद आप आत्म परीक्षण करना चाहोगे, लाइक सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कि कहीं कोई चीज़ है जो आप बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं। यू नो, कई बार हम किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, लेकिन शायद किसी को इतना अटेंशन पसंद नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क एथिक्स होते हैं वगैरह, मे बी यू आर वर्किंग इन द सेम कंपनी, या फिर यू मे बी आप रास्ते से जा रहे हो, अचानक से अगर आपने उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश की तो मे बी वो शायद घबरा जाएगा पर्सन, या फिर मे बी द पर्सन वॉन्ट लाइक इट। यू नो, सो डिपेंड ऑन दैट, कहीं ना कहीं पर ये कार्ड कनेक्ट करता है अबाउट योर ओन इनर फीलिंग्स। ठीक है, सो जिस तरह से आप खुद को उनके सामने रिप्रेजेंट करते हो शायद उसके बारे में हो सकता है, कि अगर थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीका है खुद को बताने का कि आई शुड टेक अ ब्रेक। इट्स नॉट अबाउट एंडिंग, इट्स ऑल अबाउट जस्ट गेटिंग अ ब्रेक। यू नो, ब्रेक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार हमें महसूस नहीं होता, लेकिन हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बस गाड़ी खरीदनी है, ओके, लेकिन आप झट से गए, पैसा दिया, गाड़ी खरीद ली, बट क्या आपने सोचा है कि उस गाड़ी में क्या है क्या नहीं है, वारंटी वारंटी कितनी मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी हो रही है, या फिर समवेयर यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स, तो आप दोनों में से किसी को शायद थोड़ा ठंडा रहना चाहिए। आपका दिमाग बहुत गर्म हो गया है, उसको थोड़ा ठंडा करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैव द टावर। तो टावर कार्ड यहाँ पे आ चुका है। देखो एक बहुत ही सिंपल एंड फैंटास्टिक मीनिंग आती है, कभी भी ये कार्ड नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो टावर का मीनिंग है कि कहीं ना कहीं पे आपके लिए या फिर उनके लिए, दोनों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अंडरस्टैंड करने की, आपको अगर कोई चीज़ छूट गई है आपके दुनिया से, तो पहले उससे कनेक्ट कीजिए एंड देख लीजिए कि क्या कोई ऐसी बात है जो आपने अटेंड नहीं की है। ठीक है, दिस कुड बी समथिंग लाइक, मे बी अगर आप कपल है तो शायद आपने कोई लाइट बिल नहीं भरा है, लाइट कट हो सकती है, EMI नहीं भरे हो सकते हैं, मे बी समवेयर के समवेयर इफ़ यू आर कनेक्टेड विथ योर एक्स। ठीक है, और मे बी आपके एक्स को आपकी ज़रूरत है फाइनेंशियली, या फिर वो आपसे बस अपनी दिल की बात करना चाहते हैं। अब अगर आपको और आपके एक्स को उन्होंने साथ में देख लिया तो क्या होगा।
यू नो, सो जस्ट इमेजिन। तो कहीं ना कहीं एक कार्ड बताता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो या तो हो चुकी है या हो रही है समवेयर, जिसको आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दैट इज द टावर साइन। यू नो, टावर का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं पे यू आर ऑन द टॉप ऑफ द टावर और कुछ भी हो सकता है। यू नो, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे आप बहुत सेफ होते हैं, लेकिन अगर आप टॉप फ्लोर पे गए, सो व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अर्थक्वेक एंड लाइकवाइज। सो ये सही बात है यहाँ पे कि अगर आप दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जो आपने अनअटेंडेड छोड़ी है, जो आपको तकलीफ दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नल बंद नहीं किया और आप वैसे ही घर से बाहर चले गए तो क्या होगा, या फिर गैस लाइटर गैस ऑफ नहीं किया है तो क्या होगा। समवेयर इट्स ऑल अबाउट पेइंग अटेंशन। ठीक है, जो हर समय अलग अलग मीनिंग निकल के आते हैं, दिस टाइम द मीनिंग इज ऑल अबाउट पे अटेंशन टू योर डिटेल्स। ऐसी जो भी चीज़ जो आपके रिश्ते को ठोकर मार सकती है, अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि अनअटेंडेड आपने छोड़ी है, सो पे अटेंशन टू इट। ठीक है, देखो नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है जस्टिस, दैट अ परमानेंट साइन ऑफ लीब्रा, एंड ये कार्ड कनेक्ट करता है डूइंग जस्टिफिकेशन। नाउ व्हाट इज दैट, देखो जस्टिस करना मतलब जैसे कि आपके रिश्ते को जस्टिस करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप दोनों की शादी हुई है, मे बी यू हैव किड्स टुगेदर, और सिर्फ आप ही ध्यान दे रहे हो, आपके हस्बैंड या आपकी लवर बीवी जो है वो शायद ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या ये फेयर है, ये अनफेयर है? दैट मीन्स यहाँ पे जस्टिस होना चाहिए। मैं यू कनेक्ट द पॉइंट, यहाँ पे एक मीनिंग आ रही है जस्टिस की। जस्टिस व्हाट, समवेयर अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत कर रहे हो रिश्ते के लिए और आपका पर्सन बहुत कम कर रहा है, या फिर ये सेम मीनिंग उनकी भी आ रही है कि वो बहुत कर रहे हैं रिश्ते के लिए और आप ध्यान नहीं दे रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि मे बी शुरुआत में आप बहुत कर रहे थे और अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, मे बी बिकॉज आपको लग रहा है कि अभी सभी चीज़ें सेटल है। ओके, सेटल तो है, लेकिन क्या ये पर्सन यही चाहता है कि आप इग्नोर कर रहे हो उसे? नहीं। तो समवेयर देयर इज जस्टिफिकेशन नीड टू हैपन। तो शायद आप दोनों में कोई बातें हो सकती हैं, आप दोनों मिलके शायद गुफ्तगू कर सकते हो, कुछ बातें कर सकते हो, छोटी सी मीटिंग हो सकती है कि व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, यू नो, कि हमें क्या करना चाहिए फ्यूचर के लिए, या फिर अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स। अगर आपको लग रहा है कि अभी जल्दबाजी में शादी नहीं करनी है, ठीक है, मे बी आपको बहुत बड़ी धूमधाम से शादी करनी है और अभी वो ऐसे दिन नहीं है कि आप धूमधाम से शादी कर सकते हो, तो मे बी यू आर ट्राइंग टू पे अटेंशन कि तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमें आगे क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको जस्टिफिकेशन चाहिए जो अपने फैमिली को और एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, नाउ वी गॉट योर जजमेंट एंड इट्स ऑल अबाउट, देखो जस्टिस के तुरंत बाद जजमेंट आ गया है। नाउ व्हाट इज दैट वन, देखो जजमेंट मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि भाई जस्टिस तो होना चाहिए एंड जजमेंट हो चुका है, यू नो, समझ में आ गए हैं कैसी बातें हैं। वी नीड जस्टिस, दैट्स व्हाई वी रीच कोर्ट एंड वहाँ पे जजमेंट होता है। तो आप समझ सकते हो, जजमेंट मीन्स कहीं ना कहीं आप दोनों मिलके अपने रिश्ते को एक नया मोड़ दे सकते हैं या फिर नया मोड़ देने वाला है। दैट्स अ ट्रम्प थिंग। ओके, देखो यहाँ पे सिंपल मीनिंग क्या आ रही है, कहीं ना कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, या फिर ऑफ बैलेंस चल रहा है रिश्ता, तो बैलेंसिंग कैसे करें इसके बारे में आप सोच रहे हैं और तुरंत ही इसके ऊपर आप एक्शन लेंगे। दैट इज़ वंडरफुल थिंग। देन वी गॉट टेम्परेंस ओवर हियर। टेम्परेंस का सिंपल मीनिंग क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट करना एंड बहुत ही वंडरफुल फीलिंग, जस्ट लाइक योर मेडिटेशन। यू नो, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो जो सादगी आपको मिलती है, जो आपको बहुत खूबसूरती से आप जो यू नो शांत बैठते हो, वो जो चीज़ होती है उसे टेम्परेंस कहते हैं। यू नो, कभी 3:30 या 4 बजे सुबह उठिए और देखिए, अगर 2 सेकंड के लिए अगर आप भगवान का ध्यान करते हो तो जो सादगी फील होती है उसी को हम टेम्परेंस कह सकते हैं। यू नो, बाकी कोई शोर नहीं, बस आप और आपकी तनहाई, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो टेम्परेंस इज ऑल अबाउट कि आप दोनों ही खुश हैं, यू नो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि येस आई वॉन्टेड दिस थिंग ओनली एंड दैट इज वॉट इज हैपनिंग। तो आपका रिश्ता सही सलामत है। नेक्स्ट वी हैव द सन। द सन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। देखो आप दोनों के सपने हो सकते हैं कहीं ना कहीं अभी कि अपने करियर में आगे बढ़ना, या फिर रिश्ते के बारे में आपके सपने हो सकते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे किसी को गिफ्ट करना है, यू नो, यू लवर नीड टू बी गिफ्टेड दिस वन वगैरह वगैरह। तो वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। तो जो भी आपकी ख्वाहिश है वो यहाँ पे दिख रही है। एंड ऑल ऑफ यू हैविंग विविड चॉइसेस, यू नो, आप दोनों की बहुत ही अलग और खूबसूरत चॉइसेस हैं, वो बहुत ही जल्द पूरी हो सकती हैं। एंड फाइनली वी गॉट क्वीन ऑफ सॉर्ड, जो कि है एयर साइन, यहाँ पे बहुत आ गया है कार्ड। इसका सिंपल मीनिंग यहाँ पे आ रहा है, कहीं ना कहीं आप दोनों जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के दिल से। ठीक है, सो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से बातचीत आप दोनों में इस कदर हो सकती है कि शायद आप एक दूसरे को थोड़ा सा हर्ट कर सकते हैं, जानबूझ के नहीं, लेकिन मे बी समथिंग लाइक दैट।
जैसे कि मैंने गाना सुना था कि एक के पास गाड़ी थी, एक के पास बहुत रेशमी बाल थे, दोनों के साथ वो गिफ्ट करना था, वो क्या गिफ्ट करे, तो वो अपने बाल काटती है और ये अपनी गाड़ी पर बेचता है एंड फिर गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को, और वो गिफ्ट उनकी गाड़ी और बालों के बारे में ही होता है। सो देन व्हाट, सिमिलर लाइक हियर, अगर आप दोनों मिलकर कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो शायद थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। सो एयर साइन है तो बातों को सीरियसली ना लो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों मिलकर कोई ऐसी बात अगर कर भी सकते हो तो अपने आप को बचाओ ये करने से एंड ट्राई टू हैव अ बिट स्टेप अवे, ठीक है। जब भी बात करने का मूड हो तो पहले अपने आप को शांत कीजिए एंड देन कनेक्ट विथ योर लवर ताकि चीज़ें सही से हो जाए। एंड डू अंडरस्टैंड जितना आप सोच रहे हैं उससे या फिर कई गुना ज़्यादा वो भी आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। सो आउटकम जो होगा वो काफ़ी मस्त होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द टैरो रीडिंग, ठीक है। अब देखते हैं ओरैकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। वन टू एंड थ्री, चलो हम तीन कार्ड निकालते हैं, देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आता है। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है इमर्जेंस, ओके। इमरजेंसी कार्ड आ चुका है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, नंबर 25। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमरजेंस इनवाइट्स अस टू अप्रोच आवर रियलिटी विद अ चाइल्ड लाइक एटीट्यूड ऑफ इनोसेंस एंड वंडरमेंट एंड टू वॉच एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी दैट अनफोल्ड्स फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है। सो इट्स अबाउट रियलिटी, कोई रियलिटी को शायद आप बहुत जल्दी फेस कर सकते हो, मे बी कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, शायद सबके सामने वो एंगेजमेंट अनाउंस कर दे या फिर सबके सामने को प्रपोज कर दे, समथिंग जिस चीज़ की आपको काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से तलाश थी वो चीज़ रियल में हो सकती है। द पर्सन कुड बी मैडली इन लव विथ यू और सबके सामने ये कबूल भी कर सकते हैं। नंबर 25 हम नंबर भी देखेंगे, पर देखते हैं यहाँ पे नंबर 38 रिमेम्बरेंस। The frequency of remembrance supports our memory of everything that we have gone through as a soul in body, providing us with valuable information and tools to follow gratefully with and in this life. Remembrance का कहीं ना कहीं मतलब है कि अगर ये person चाहता है कि आप उनको याद करें और याद रखें, देखो कोई शायद soul journey में हो सकता है, कोई twin flame में या फिर कोई किसी रिश्ते में है, तो ये रिश्ता सदियों से चला आ रहा है, जिसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं या फिर हम सोलमेट रिलेशनशिप कहते हैं। तो मे बी इफ इट इज़ हैपनिंग देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, बहुत सालों से, सदियों से, यू नो। तो बस आपको याद करना है, मे बी दैट इज़ वाई यू नो कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं, जब भी मैं मुझे वो पर्सन मिलेगा तो मैं जान जाऊँगा, ये वही होता है। जब वो पर्सन स्पेशल समवन आपको दिखता है तुरंत आप समझ जाते हैं कि बस यही है और कोई नहीं, दैट इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 27 फर्टिलिटी, ठीक है। द फिगर्स ऑफ फर्टिलिटी इनवाइट्स अस टू बी मोर ओपन, मोर करेशियस, मोर क्रिएटिव एंड मोर जॉयफुल देन वी एवर बिफोर। इट एक्टिवेट्स द पोटेंशियल फॉर समथिंग ब्यूटीफुल टू ग्रो फ्रॉम आवर कॉन्शियसनेस इनटू अ न्यू एंड ग्रैंडर एक्सपीरियंस ऑफ आवरसेल्व्स, ठीक है। फर्टिलिटी का मतलब है कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिव बनने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कोई बोर हो रहा है, अभी वो बोर हो रहा है, फिर आप बोर हो रहे हैं, तो मे भी आप शायद कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं या फिर उनके ऊपर थोड़ा सा प्रैंक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों के कोई गेम खेल सकते हैं, सेक्सी से थोड़ा गेम खेल सकते हैं, दैट यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट योर पर्सन। तो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे दो नंबर तो आ चुके हैं जो कि है 25 नंबर और एक है 27 नंबर 27। तो अगर ये दोनों नंबर आपको मैच करते हैं तो आप इसमें से कोई एक नंबर चुन सकते हैं, मे बी इट इज़ समथिंग अबाउट यू, या फिर यू नो जब ऐसे कोई चीज़ हो सकती है, या फिर अब इनको कंबाइन करते हैं 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9 and 8 + 3 = 11, ठीक है। तो 11 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, ये भी नंबर हो सकते हैं कि शायद जिसकी आपको तलाश थी, ओके। इसमें भी इफ़ ये नंबर अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो शायद ये भी आपके लिए कुछ है, ठीक है। नाउ लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स, मून ओरैकल से हमें देखते हैं क्या मैसेजेस मिलते हैं। चलो बस चार कार्ड निकालते हैं, 1, 2, 3 and final 4, ठीक है। तो ये चारों कार्ड मून ओरैकल से हमें मिल चुके हैं, अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। लेट्स कनेक्ट टू द कार्ड्स, ठीक देखते चलो रीडिंग क्या आती है। पहले फोकस करते हैं इस कार्ड पे, दैट इज़ वंडरफुल थिंग, आर्चर है यहाँ पे,
एंड रीडिंग है एवरी डे आई फोकस ऑन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यू नो, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसी के ऊपर फोकस बना के रखिए। दैट इज गोना बी वेरी एसेंशियल फॉर यू। ये हो गया चांद, बहुत ही छोटा, न्यू मून, आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट्स। यस, आप रिन्यूअल एंड फ्रेश स्टार्ट में विश्वास करते हैं, यू नो, अगर आपको लग रहा है कि आप अपने एक्स के साथ रियूनियन में आ रहे हैं या फिर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था और अब वो झगड़ा मिट चुका है, सो ये आपके दोनों के लिए एक फ्रेश स्टार्ट है। नेक्स्ट कार्ड इज ऑल अबाउट द लायन, एज यू कैन सी लायन पोर्टल भी कह सकते हैं। आई एम करेजियस एंड पावरफुल, ओके, तो आप करेजियस और पावरफुल दोनों हो। एंड फाइनल वन इज पुटिंग द फिंगर्स, ओके, क्या आप कुछ कह रहे हैं, ठीक क्या है वो देखते हैं। आई असेस मैटर्स केयरफुली एंड डिसर्न वाइजली, ठीक है, मैं चीज़ों को ध्यान से देख रहा हूँ और उनको समझ भी रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर को लग रहा है कि शायद उनकी कोई अपेक्षाएं हैं जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, या फिर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं कह नहीं पा रहे हैं, वॉट एवर इट कुड बी, तो आप धीरे धीरे उस बात को समझ सकते हैं। अगर उन्होंने कहीं से लोन लिया है, आपको कह नहीं पा रहे हैं कैसे करेंगे, तो मे बी दिस इज़ द टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दिम कि ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें परेशान कर रही है, या फिर दे वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट इन रिलेशनशिप, यू नो, सो यू कैन ट्राई आउट विद देम, यू कैन आस्क देम एंड आपको वो जवाब मिल जाएंगे। आई होप इट विल रिजोनेट। थैंक यू, सेंडिंग ऑफ मेनी टैरो।